Welcome back. Observe the following photo. During our last class, we have discussed about basics of central lathe, and you can easily recall that this picture is of central lathe, that is also known as incision lathe. We have discussed its construction, its components, its specifications, and different operations that can be performed on this machine. It is prerequisite to know everything about this machine to go ahead. Observe this photo also. You may have seen this machine in your machine shop. And in the next classes, we will discuss about this machine. So let's start. ME306 Advanced Workshop Techniques, Chapter 5, Capstan Lathe and Turret Lathes. We are going to discuss capstan lathes and turret lathes. In this chapter, we will study about concept of capstan or ram type machine, turret or saddle type machine, principal parts of capstan and turret lathe, capstan and turret lathe mechanism, turret indexing mechanism and bar feeding mechanism, work holding devices, jaw chucks and collet chucks, tool holding devices, sliding tool holder, knee tool holder, knurling tool holder, recessing tool holder, form tool holder, tape and die tool holder, V study box tool holder, roller study box tool holder. There are more many tool holding devices for the capstan and turret lathes, but we will only study these tool holding devices. Then we will study introduction to turret tooling layout and difference among capstan, turret and conventional lathes. Before discussing capstan or turret lathe, let's discuss about automation. Automation ko kisi machine tool or machining system mein consistent quality ke saath higher productivity praapt karne aur saath hi overall economy ke lihaz se kaam mein liya jata hai. Automation auxiliary motions jaise handling operations hain उन्हें क्विक और एक्यूरेट करने में मदद करता है. हैंडलिंग ऑपरेशंस जैसे टूल माउंटिंग, वर्क माउंटिंग, स्टॉक बार फीडिंग, टूल इंडेक्सिंग को स्पेशल मैकेनिज्म और कंट्रोल सिस्टम की सहायता से रिपीटेडली किया जाता है. साथ ही इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होता है. अब जो ऑटोमेशन में मैकेनिज्म और कंट्रोल सिस्टम प्रयोग में लिए जाते हैं वो मैकेनिकल टाइप के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकते हैं, हाइड्रोलिक टाइप के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के हो सकते हैं, या इनमें से किन्हीं के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. ऑटोमेशन की डिग्री क्या है या ऑटोमेशन किस एक्सटेंट तक किसी मशीन टूल में यूज किया गया है, डिपेंडिंग ऑन दैट मशीन टूल्स आर क्लासिफाइड एज नॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक. नॉन ऑटोमेटिक मशीन टूल वो होते हैं जहां प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के रेस्पेक्टिव सारे हैंडलिंग ऑपरेशंस मैन्युअली किए जाते हैं. जैसे सेंटर लेथ, उसमें सारे के सारे ऑपरेशंस मैन्युअली किए जाते हैं. नॉन ऑटोमेटिक मशीन टूल्स को कन्वेंशनल मशीन टूल्स भी कहा जाता है, यानी सेंटर लेथ को हम कन्वेंशनल लेथ भी कह सकते हैं. और ऑटोमेटिक वो होते हैं जहां सारे के सारे हैंडलिंग ऑपरेशंस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के साथ साथ ऑटोमेटिकली किए जाते हैं. सामान्यतः ऑटोमेटिक मशीन टूल्स कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल होते हैं. सेमी ऑटोमेटिक मशीन टूल्स कन्वेंशनल और ऑटोमेटिक के बीच के हैं, यानी इनमें ऑटोमेशन तो है लेकिन वो लिमिटेड टाइप का है. आज हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन टूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इन मशीन टूल्स में भी स्पेशली हम लेथ्स के बारे में, यानी कैपस्टन लेथ और टैरेट लेथ के बारे में पढ़ेंगे. हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन टूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह जानने के लिए हमें
यह देखना पड़ेगा कि सेंट्रल लेथ्स में क्या लिमिटेशन थे। जैसा कि हमने पिछली वर्चुअल क्लास में पढ़ा कि सेंट्रल लेथ को मोस्ट वर्सेटाइल और जनरल पर्पस लेथ भी कहा जाता है। जनरल पर्पस मशीन टूल होने के साथ साथ इसमें लिमिटेशंस भी हैं, जैसे जॉब को होल्डिंग और इसकी सेटिंग में काफी टाइम कंज्यूम होता है। सेंट्रल लेथ में जनरली एक टूल ही यूज किया जा सकता है, हालांकि कई बार हम स्क्वायर टूल पोस्ट भी यूज कर लेते हैं। टूल की सेटिंग करने में टाइम लगता है, टूल की सेटिंग और मूवमेंट के दौरान काफी आइडल टाइम रहता है, और कट्स के दौरान भी डिफरेंट सेटिंग्स करने के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। टूल की प्रसाइज मूवमेंट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये ढेर सारी लिमिटेशंस रही सेंट्रल लेथ की, जिनके कारण हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन टूल्स यानी कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ को प्रिफर करने लगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स के बारे में। सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक लेथ में मेजर ऑक्सिलरी मोशंस और हैंडलिंग ऑपरेशंस जैसे बार फीडिंग, स्पीड चेंज, टूल चेंज, ये क्विकली और लेसर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ किए जा सकते हैं। क्योंकि काफी हैंडलिंग ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली किए जा रहे हैं, इससे टाइम सेविंग में मदद मिलती है। यहाँ हमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, हमें सिर्फ इनिशियल सेटिंग के दौरान स्किल्ड पर्सन चाहिए, उसके बाद में हम सेमी स्किल्ड ऑपरेटर से भी कार्य करवा सकते हैं। इन मशीन्स में ऑपरेटर के लेसर एफर्ट्स और अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है। ये मशीन्स मेनली बैच और स्मॉल लॉट प्रोडक्शन के लिए सुटेबल रहती हैं। अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें, ये जनरली तीन तरह के होते हैं, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए लो वॉल्यूम, स्मॉल लॉट साइज और जनरली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे स्पेस व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स या मशीन टूल्स के प्रोडक्शन में जॉब शॉप प्रोडक्शन का प्रयोग किया जाता है। बैच प्रोडक्शन मीडियम साइज लॉट के लिए, और लॉट मे बी प्रोड्यूस वंस और मे बी प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल। ये कस्टमर की कंटिन्यूस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, कास्टिंग्स हैं, फाउंड्रीज हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, फर्नीचर्स हैं, इन सब के प्रोडक्शन के लिए बैच प्रोडक्शन का प्रयोग होता है। वहीं मास प्रोडक्शन लार्ज प्रोडक्शन रेट्स या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग करने में होता है। तो सेमी ऑटोमेटिक लेस का प्रयोग बैच प्रोडक्शन यानी कहें कि मीडियम साइज स्लॉट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। हालांकि कई बार बैच और मास प्रोडक्शन में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स का प्रयोग बैच प्रोडक्शन करने में होता है। सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स सेंट्रल लेथ की तुलना में कॉस्टलियर होती हैं। अगर हम सेम कैपेसिटी की सेंट्रल लेथ और सेमी ऑटोमेटिक की तुलना करें तो सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स की कॉस्ट ज्यादा होगी। सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स में हम वाइडर रेंज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। Depending on construction of semi-automatic lathes, there are two main semi-automatic horizontal lathes. The spindle in these lathes is horizontal. We will only study single spindle lathes. So these are capacitor lathe. This is also known as RAM type lathe. Second one is turret lathe, or this is also known as saddle lathe. Capacitor lathe is also known as RAM type lathe. Whereas turret lathe is also known as saddle lathe. So let's discuss concept of these lathes. As we have seen, these lathes are of semi-automatic type. So both capacitor and turret lathes are semi-automatic type machine tools. These are suitable for batch production or production of medium lot sizes.
These are modification and development of engine-less. If we talk about their construction, then in these lathes there is no tail stock. As we have seen in center lathe or engine lathe, there is headstock and tail stock. In capstan or turret lathe, there is no tail stock. In place of it, there is a hexagonal turret. This hexagonal turret is used to hold the multiple cutting tools. So we can say there is a feature for multiple tool availability. These lathes are provided with front tool post that is also known as square turret, as it can hold four turning related tools, and a rear tool post that can hold 2 to 4 turning related tools. In capstan and turret lathe, there is hexagonal turret for holding the tool, there is front tool post for holding the tools, and a rear tool post for holding the tools. So we can hold more than 10 number of cutting tools. These lathes are equipped with special mechanism for indexing the tools. On this machine, we can perform turning, drilling, boring, thread cutting, grinding, chamfering, parting off, and many other operations, and these are performed in a regular sequence. We can perform number of operations on capstan and turret lathes by using different type of cutting tools. This figure shows capstan lathe and turret lathe. We have discussed that capstan lathe is also known as ram type lathe, while turret lathe is also known as saddle type lathe. Picture on left side is of capstan lathe and picture on right side is of turret. इन चित्र की सहायता से हम कैपेस्टन एंड टरेट लेथ के कंस्ट्रक्शन और इनके बीच में डिफरेंस, साथ ही सेंटर लेथ से ये मशीन्स कैसे डिफरेंट है ये जान सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैपेस्टन लेथ और रेन टाइप लेथ। दिस इज बेड। एज यूजुअल बेड इज मेड ऑफ कास्टिंग। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस बेड देयर इज ए हेड स्टॉक व्हिच हाउसेस द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर स्पिंडल एंड this is spindle which rotate with the help of this driving mechanism. On the opposite of this headstock there is no tailstock. In place of tailstock there is a saddle. This part is saddle and this is mounted on guideways on the bed. This saddle can traverse along longitudinal direction, and on this saddle a ram is provided which is mounted on the guideways on this saddle. So this is ram. The ram can also move in longitudinal direction. On this ram, a hexagonal turret is mounted. And in between headstock and hexagonal turret, there is a carriage. This is carriage. This carriage can be moved in longitudinal direction. A cross light is mounted on this carriage. This is cross light. The cross light can be moved in transverse direction or crosswise direction. The front end of this cross light is equipped with a square turret that can consist four type of tools, and rear end of this cross light is having rear tool post which may be of single type, two way or four. Now let's talk about turret lathe or saddle type lathe. The right side picture is of turret lathe. Here this is bed. This bed is made by casting, and the left end of this bed there is a headstock. This houses the driving mechanism and a spindle. On the opposite of this headstock there is a saddle which is mounted on guideways provided on this bed. So this is saddle. This saddle can move in longitudinal direction. A hexagonal turret is mounted on this saddle. This is hexagonal turret. In between headstock and hexagonal turret, there is a carriage. This is carriage. On this carriage, there is a cross light. On this cross light, there is a square turret. If you have observed
there is a RAM in capacitor length which is mounted on saddle, but there is no RAM in the turret length. The hexagonal turret is in both type of machines. Saddle is also in both type of machines. If you noticed one more difference, that is of carriage. Here this is reach over carriage. It means it is extended from front to rear end. While this is of side hang type carriage, it means it is only on one side of this bed. It is mounted on the bed and guideway on bottom of this bed. Sometimes the turret length is also equipped with reach over carriage. So there may also be a reach over carriage which can consist a cross slide, square turret and rear tool post. Major difference between these is due to RAM. In capacitor length there is a RAM, in turret length there is no RAM. Let's recall center length. By observing this we can get clear difference between the conventional length and semi-automatic length. However, we will discuss the differences between conventional and semi-automatic length later on. Let's recall, this is center length. The bottom part is bed. On the left side there is a headstock which is housing speed controls and feed controls and a spindle. On the right side of this bed there is a tailstock which moves on guideway provided on bed. In between headstock and tailstock there is a carriage which is consisting saddle, cross slide, compound slide and tool post. If we compare the both diagrams, we can easily found that in place of this tailstock, there is hexagonal turret which can hold 6 number or more cutting tools. In place of this tailstock, there is saddle, frame and hexagonal arrangement, or in turret type layer, there is saddle and hexagonal turret arrangement. So this is the basic difference between conventional lathe and semi-automatic. Apart from these, there are more many differences. We will talk about them later. अब semi-automatic lathes के principle की बात करते हैं। जैसा हमने construction में देखा, semi-automatic lathes में spindle होती है। spindle में workpiece को clamp कर rotate करवाया जाता है। और इन lathes में hexagonal turret जिसमें 6 या इससे भी ज़्यादा cutting tools mount किए जा सकते हैं। front में स्क्वायर टरेट या फ्रंट टूल पोस्ट लगा होता है जिसमें हम 4 नंबर ऑफ टूल्स माउंट कर सकते हैं। रियर एंड ऑफ क्रॉस राइड में रियर टूल पोस्ट लगा रहता है जिसमें सिंगल वे हो तो 1, 2 वे हो तो 2 और 4 वे हो तो 4 टूल्स माउंट कर सकते हैं। वर्कपीस को चक या कोलेट में हेल्ड किया जा सकता है। यहाँ चूंकि टेल स्टॉक नहीं है इसलिए सेंटर्स के बीच में वर्कपीस को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हेक्सागोनल टरेट में 6 नंबर या इससे ज्यादा टूल्स लगे होते हैं जिन्हें सिक्वेंसली हेक्सागोनल टरेट की इंडेक्सिंग कर वर्कपीस के सापेक्ष लाया जाता है, यानी हेक्सागोनल टरेट को इंडेक्सिंग कर रोटेट भी करवाया जाता है और फीड के लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वर्कपीस की ओर रेम की सहायता से कैपेसिटर लेंथ में और सेडल की सहायता से टरेट लेंथ में। स्क्वायर टरेट जैसा कि कन्वेंशनल लेंथ में हमने देखा कैरिज की सहायता से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्रॉस स्लाइड की सहायता से क्रॉसवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है और साथ ही ये टूल पोस्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर सकता है ताकि इस पर लगे डिफरेंट कटिंग टूल्स को वर्कपीस के कॉन्टेक्ट में लाया जा सके। रियर टूल पोस्ट भी अगर लगा है जैसे हमने रिच ओवर टाइप कैरिज में देखा तो इसे कैरिज के साथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करवाया जा सकता है, क्रॉस स्लाइड की सहायता से इसे क्रॉसवाइज डायरेक्शन में वर्कपीस के कॉन्टेक्ट में लाया जा सकता है। इस तरह डिफरेंट मूवमेंट के द्वारा कैपेसिटर लेथ एंड टरेट लेथ में वर्कपीस की मशीनिंग की जाती है। इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर लेथ एंड टरेट लेथ सेपरेटली, सो वी कैन अंडरस्टूड बेटर अबाउट दिस टाइप ऑफ सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स।